नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, जो कि है विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। तो यहाँ पे भी हम आए हैं रमेश राजा नशा मुक्ति केंद्र में जी, क्योंकि जो साला नशा होता है ना जी, एकदम नशा होता है। तो ये रमेश राजा यहाँ के जो मुक्ति केंद्र है, यहाँ पे एक अलग टेक्निक बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पे जो लोग नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जिस टाइप का भी नशा भैंचो करता है, उसको यहाँ पे इलाज के लिए लाया जाता है। और यहाँ पे अलग टेक्निक से उन लोग का यहाँ पे इलाज किया जाता है, क्योंकि जो नशा करता है ना, वो साथ साथ खुद को नहीं अफेक्ट करता, अपने आसपास परिवार वालों को भी प्रभाव डालता है। तो लोग ये कोशिश में रहते हैं कि जो लोग हैं जो नशेड़ी है, उनको आम जीवन में ला के उनका जीवन सही बनाया जा सके। तो उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग मदद करते हैं नशेड़ियों को सही होने में। तो और सिर्फ हम लोग देखने भी नहीं आए अंडू गंडू की तरह, इधर आओ जी, हम लोग कंबल भी लाए हैं। अरे इधर आना, मऊगा लिए उन्होंने कहा खड़ा है जी। ये देखिए कमल, कमल ठीक है ना जी, ये देखिए कमल लाए हम लोग, ताकि लोगों को यहाँ पे बांटेंगे देंगे, क्योंकि बहुत ही जो ठंड है वो अभी गणफा ठंड चल रही है। तो कमल भी एक तरह से कंबल भी वितरण का एक सोशल वर्क भी हो जाएगा धाकड़ न्यूज़ की तरफ से, और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट भी दिखा देंगे। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यही देखिए रमेश नशा मुक्ति केंद्र है जी। हेलो, यही नशा मुक्ति केंद्र है जी। जी क्या नाम है आपका? भोलू भूषण सर। भोलू भूषण नाम है, यही है का जी रमेश राजा? जी सर, रमेश राजा नशा मुक्ति केंद्र। यही फाउंडर हैं आपके? जी हमारे फाउंडर हुए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही है, इन व्यक्ति को दिखाइए, यही है वो महान आत्मा जो कि जिन्होंने यहाँ पे इतने जो भी नशेड़ी लोग हैं उनके लिए एक प्रयास किया है, एक जगह बनाया है, ताकि वहाँ आके वो ठीक हो सके और नशे से की आदत से उभर सके। तो ये डॉक्टर उक्टर थे का जी? जी नहीं सर, ये नशा वगैरह करते थे, फिर मर गए, तो फिर उनके बेटे ने ये सब खोला है। अच्छा, ये मतलब नशा करते थे, गंजेड़ी थे का? जी नहीं सर, बस वही सब समझ ले जी, कुछ कुछ करते थे। अच्छा, मैंने पान परा के सब खाता था ना ये, जैसा कि देख सकते हैं आप, देखने से ही लग रहा है भैंचो थी महानात्मा नहीं है, बहुत नशा उसा करता है, सब बहुत बुरा चीज है जी, सब हम देखते ही समझ गए थे उसका चक्कर। इधर से कुछ आवाज आ रहा है जी, इधर है ना, इधर रास्ता है, इधर से कुछ कोची हुआ है जी यहाँ पे, यहाँ पे इस्तेमाल किए ठीक हो जाएंगे, समय लगता है ना किसी काम को करने में। दिक्कत क्या है इसको, दिक्कत क्या है सर? ये गांजा पीते थे, गांजा पीते थे, ठीक है जी सर। हमारा ये काम है कि कड़वा टेक्निक से इनको ठीक करने का। अच्छा, ये कड़वा टेक्निक क्या है? जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, हम ऐसे नशा देकर नशे वालों को ठीक करते हैं। अच्छा, मतलब नशा ही नशा को ठीक करेगा। मैं यहाँ पर इसका गांजे का इलाज करवाने के लिए आया था, मैं ठीक करवाने के लिए आया था, और देखिए इसको क्या हुआ आप? देखिए जैसे तो कड़वा टेक्निक है, कैसे ठीक होगा थोड़ा हमको बताइए, परेशान ना है जी। देखिए सर, ये जैसे गांजा पीते थे हम, इनको कड़वी, जैसे जितनी भी कड़वी दारू होगी वो पिलाएंगे। अच्छा, कड़वी जो दारू होगी कड़वाहट से इनकी जाएगी, इनकी नशा जो करते हैं गांजा लगाते हैं वो कड़वाहट से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इसीलिए हमने कड़वा टेक्निक का इस्तेमाल किया इन पर। मैंने इनसे बताया कि समय लगेगा, टाइम लगता ही है ना। तो इस तरह का चीज काम करता है? बिल्कुल काम करता है। मैंने कोई काम करता है, ये पहले गांजा पीता था और अब आपकी कड़वा टेक्निक से दारू भी पीना शुरू कर दिया इसने। अरे भाई जी, दारू भी पीने लगा जी? उधर मुझे देखो, तुम दारू भी पीने लगा जी? थोड़ा थाक पीते हैं, ज्यादा तो नहीं पीते, थोड़ा थाक पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पीता है। कौन बना दिया तुम कड़वा टेक्निक, बड़वा टेक्निक? सर सर पहले नहीं, चुप कराइए, मैंने कड़वा टेक्निक से बहुत कोशिश करनी है तुम्हारी, मैंने तो पहली बार नाम सुना कड़वा टेक्निक। नहीं बताइए कि ठीक होगा नहीं होगा? बिल्कुल ठीक होगा, और मैंने कड़वा टेक्निक से बहुत मरीज ठीक किए, देखिए आपको दिखाता हूँ मेरे पास। मतलब ये ठीक हो सकता है? ठीक होगा। देखिए क्या थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। देखिए थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा और ये ठीक हो जाएगा ना? जी जी होंगे। अगर ये ठीक ना हुआ तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा मैं। अरे हम इसका गण फाड़ देंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए तुम साला दारू नहीं पिएगा जी, नशा उसा मत करना, ठीक है? देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और धागा न्यूज की तरफ से इधर कम्बल लेके, इधर देखिए धागा न्यूज की तरफ से इनको कम्बल का दान किया गया है। तुम नशा उसा मत करना जी, ठीक है? अगर तुमको मिलेगा ना दारू वारू मिलेगा बढ़िया, गांजा वांजा बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा तो बताना हमको, ठीक है? नशा से दूर रखना। और अरे ठीक है, आप इसको लेके जाइए, ठीक हो जाएगा। और आप बताइए कि कहाँ कड़वा टेक्निक से कहाँ ठीक हुआ है? ये देखिए से नो टू ड्रग्स रमेश राजा मुक्ति फाउंडेशन, यहाँ पे आइए। ये रूम है जी सर, ये देखिए यहाँ पे बड़ा अंधेरा है जी, लाइट ऑन करो जी। ये देखिए यहाँ पे ये की हेलो, क्या ठीक है चाचा आप? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। क्या इनको क्या हुआ था सर? ये चरस लगाते, चरसी थी, चरस जी सर। देखिए
क्या हुआ चाचा, ठीक है? दर्द क्या कर रहा है? बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में गिर गए थे? 7 बार गिरे थे। तो 7 बार गिरे महाराज, किसी को बुलाया का है नहीं? कपड़ा नहीं पहने थे ना जी। कपड़ा सिलंगटे चले गए थे? लुंगी खुल गया था। अब किसको बुलाते, क्या करते, तो बड़ी मुश्किल से फिर आए बाहर। मैंने बाथरूम में गए, लुंगी खुल गया, गिर गए ना, तो भी क्या बुलाएगा, आएगा आदमी गान उड़ देख लेगा आपका। ये सब मैंने बहुत बुरा काम है, लेकिन मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है। तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप लंगटे उंगटे जा रहे हैं उधर लुंगी पहन के। तो नहीं, ऐसा मत कीजिए, लंगटे उंगटे मत रहिए, गान मत दिखाई किसी को। कमल लगाओ बोला भाई जो। ये देखिए, धाकर न्यूज़ की तरफ से आपको कम्बल यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप अपना जो भी आपकी आगे की यात्रा है, नशा मुक्ति की जो यात्रा है, उसे आप ठीक से करें, ठीक है? और थोड़ा ध्यान रखिए, लंगटे मत जाइएगा बाथरूम उतरूम में जी। तो हम लोग अभी चलिए आगे चलते हैं, यहाँ लाइट उट ऑफ कर दी, दरवाज़ा बंद कर, इंजॉय करो जी। तो आगे चलते हैं। नज़र खींचा है, जो ना समझे पांडू है, जो नशा करे वो गांडू है। नशा एक चूतिया चीज़ है, नशा ना करे। मैंने इस तरह का पोस्टर लगा के लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि नशा ना करे ना। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है? क्रिटिकल पेशेंट। एक क्रिटिकल पेशेंट है, देख सकते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ पे क्रिटिकल, यहाँ पे लाइट ऑफ है जी, ऑन करें। ये देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल इनका। अच्छा अच्छा, इन्हें 7 प्रकार के नशे थे। 7 प्रकार के नशा करता था। इनका फेफड़ा खत्म हो गया था। अच्छा, फेफड़ा पूरा खत्म? जी सर, हमने उलबुलाव का इन पे फेफड़ा लगाया। उलबुलाव का? उलबुलाव का फेफड़ा लगाया। ये देखिए, कितनी सांस ले ले, ये देखिए कृत्रिम सांस, मैंने मशीन से ही सांस ले रहा है ना जी। ओहो, इस तरह का मशीन से इनको सांस दिया जा रहा है ना। जी सर, जी सर, जी सर। ओहो, तो इनको जैसे उद्बिलाव का फेफड़ा लगा है, तो पानी में भी सांस लेंगे का जी? कैसी बात कर? नहीं नहीं, ठीक है। तो मतलब 7 तरह का, देखिए इस तरह का जो चीज़ है, 7 तरह का यहाँ पे नशा किया जाता था। तो बहुत एकदम गाँवों में कैंसर हो जाता है इसे करने से ना। तो इनका इलाज आप लोग कर रहे हैं, मतलब ठीक हो जाएंगे जब तक मशीन से आप सांस इनको दे रहे हैं ना। ये देखिए, बहुत यहाँ पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। तो बहुत बढ़िया काम आप यहाँ पे कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और दिखाइए हमें आगे क्या है आपका। आइए चलिए, इसका बत्ती उत्ती बुझा देते हैं, इनका लाइट उट बंद करके चलिए। और कहाँ जाना है हमें? अच्छा अच्छा, ऊपर जाना है। आइए हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर साहब हमें दिखा रहे हैं कि इनका जो नशा मुक्ति केंद्र है किस तरह से काम करता है। हाँ, आराम से आ रहे हैं। अब जी कमल वो लेके ऊपर हूँ, बांटना होगा। यहाँ पे आप धाका न्यूज पर लाइव देख रहे हैं कि हम लोग आप एक नशा मुक्ति केंद्र का आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या काम करता है। ये हॉल है जी, इसमें कोई नहीं है, रूम नंबर 4 है। आइए, यहाँ पे अंधेरा है बहुत ही, बत्ती उत्ती। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक व्यक्ति है, आइए इनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। हाँ अच्छा, ये ठीक हो गए हैं? कहते जी मच्छरदानी लगा ले हैं, ठीक हैं आप? ठीक है सर। ठीक है तबीयत? ठीक है तबीयत। कैसा चल रहा है नशा मुक्ति? ठीक ही चल रहा सर। ठीक चल रहा है ना? चल रहा, आप लोग चला दीजिए सर। ठीक है, ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि, देखिए बहुत सारा चीज़ है इस समाज में, ठीक है, लोग नशा छोड़ नहीं पाता है, लेकिन हम आपके, आपने इतना बढ़िया काम किया, इतना सम्मानित काम किया है नशा छोड़ के, हैं तो यहाँ पे हम आपको कंबल लेके, जो है इतना जो पतला चादर आप पहन के, आपको कंबल देना चाह रहे हैं, जरा कंबल लेके। देखिए इस पतले चादर में क्या ठंड जाएगी। उधर कौन है जी? कौन है जी? अरे भाई जो लड़की लेके बैठा है, यही नशा मुक्ति केंद्र है जी। चिंता है साला, लड़की लेके बैठा है, इस तरह की चीज देखने के बाद मन करता है कि हम बूढ़ा हो जाए। कौन सांस नहीं ले रहा है? कौन नीचे जो मरीज हुआ था जी, जो लेटा था, कहा हो गया जी उसको, सांस कहीं नहीं ले रहा यहाँ पे। ये जो मरीज को अभी हम लोग देख के गए थे, वो सांस नहीं ले रहा है, कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो गई है। अरे लाइट ऑन कर, कहा हुआ जी, दिखाइए इनको क्या हुआ जी। चड्डा साहब, ये सांस कहीं नहीं ले रहा है? सांस नहीं, क्या हुआ? मशीन सब बंद है जी। कहा हुआ जी? मशीन बंद है सब। मशीन कौन बंद किया माधव चौर? मशीन आपने बंद किया था? मैंने बंद किया था लास्ट टाइम। आइए चलिए, इसका बत्ती उत्ती बुझा देते हैं इनका। ये स्विच है का मशीन का? यही स्विच है जी। अरे हमको लगा कि मोबाइल का चार्जर है, हमें बंद कर दिए थे जी। अरे नहीं, उसको देखिए ना, उसको इलाज कीजिए। चलो जी, देखिए इस तरह की छोटी घटनाएं होती रहती है कभी कभी। और मशीन अगर बंद कर, तो लेके कम्बल भाग।